नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। औरंगाबाद देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे का औरंगाबाद में मंगलवार को रंग तो एक दिखा, लेकिन रूप दो दिखे। एक रूप में रंगों और खुशियों की रंगीनी रही, दूसरे रूप में रंगीनी थी लेकिन साथ में गमगीनी भी थी। अवसर था ठीक 77वें स्वतंत्रता दिवस के दिन पर शहीद सैनिक की अंतिम विदाई का। वक्त भी एक ही रहा, एक ओर शान से तिरंगा लहर रहा था तो दूसरी ओर तिरंगे में लिपटा शहीद अंतिम यात्रा कर रहा था। एक और मुख्य समारोह में औरंगाबाद के जिलाधिकारी शहर के गांधी मैदान में तिरंगे का ध्वजारोहण कर सलामी दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर सीमा सुरक्षा बल के जवान ओबरा प्रखंड मुख्यालय के दो मुहान स्थित शमशान में अपने शहीद साथी संजय कुमार दुबे को संगीने झुकाकर सलामी दे रहे थे, फायर झोंक कर अंतिम विदाई दे रहे। उधर डीएम ने झंडोत्तोलन समारोह में परेड की टुकड़ी को अनुमति देकर कार्यक्रम का विसर्जन कराया। इधर बीएसएफ के जवानों ने फायर झोंक कर शहीद साथी को अंतिम विदाई देकर विसर्जन किया। इस दौरान शहीद के बड़े पुत्र ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। मुखाग्नि के बाद जैसे जैसे अग्नि तेज होती गई, वैसे वैसे परिजनों की आंखों से आंसुओं की धारा तेज होती गई। इस मौके पर भारी संख्या में स्थानीय नागरिक, गणमान्य लोग, ओबरा के शासन प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं शहीद सैनिक के परिजन मौजूद रहे। इस दौरान सबकी आंखें नम रही और सभी ने नम आंखों से शहीद सैनिक को अंतिम विदाई दी। अंतिम विदाई के दौरान का माहौल पूरी तरह गमगीन रहा। गौरतलब है कि सीमा सुरक्षा बल में भारत पाक सीमा पर राजस्थान के ओबरा के पंडित मोहल्ला के जवान संजय कुमार दुबे की पिछले सप्ताह शनिवार को देर शाम ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में घायल होने के बाद मौत हो गई। वहां सेना का एक बस जवानों को लेकर सीमा पर जा रहा था, इसी दौरान वाहन इब्राहिम की ढाणी और लंगतल्ला के बीच गड्ढा में पलट गई। हादसे में 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में घायल जवानों को इलाज के लिए वहां के सेना अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान संजय दुबे की मौत हो गई। शहीद जवान के पिता केदार दुबे के बेटे का शव देखकर रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्होंने रोते हुए कहा कि बेटे के निधन से मेरा घर परिवार बर्बाद हो गया, परिवार पूरी तरह से बेसहारा हो गया, दो बेटों के सिर से पिता का साया उठ गया। हमारे यहाँ के लोग हमेशा जो शहादत देते हैं, शहीद जगतपति कुमार भी दिए हैं और आज एक और वीर संजय दुबे जी ने देश की खातिर शहादत दी है। ड्यूटी के दौरान उनका दुर्घटना में निधन हुआ, एक शहादत है, ओबरा के लिए गर्व का विषय है। यहाँ के लोग मर्माहत है, भीड़ बताता है हम लोग राष्ट्र में कितना विश्वास करते हैं और अगर जगह दिया जाए तो मैं उनका मूर्ति लगवाऊंगा। आज़ादी के 77वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पूरे भारतवासियों को, बिहार वासियों को, औरंगाबाद जिला वासियों को, विशेषकर रफीगंज विधानसभा वासियों को हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन करता हूं। और हमारा देश एनडीए के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। इसके लिए मैं पूरे देशवासियों को और एनडीए सरकार को हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ। आज 76वां वर्षगांठ पर 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं पूरे बिहार वासियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं मनीष पंकज मनीष मिश्रा, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, प्रदेश अध्यक्ष साहब, भाजपा नेता, बिहार गया। सर्वप्रथम सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं गया शहर में हूँ, स्पेशली गया वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश के भाई बहन बंधु जितने भी हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। साधना ओझा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन।
देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।